All right, guys. Yesterday, I actually uploaded the show a little late because I was watching this guy. I will tell you why. But हाँ, अगर आपने कल का शो मिस कर दिया हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, देख लेना. Let's start from today's show. Did you sense this? What? How Indian politics is shifting the gear? पुराना टाइम याद कीजिए. भारत जोड़ो यात्रा हुआ करती थी. एक नहीं, इन्होंने दो करी है. पर कभी मीडिया पे कवरेज नहीं आता था. अब गोदी मीडिया इनको दिखाना शुरू कर चुका है. और जब ये होता है तो दोनों तरफ के लीडर्स को जनता देखती है कि रूलिंग पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं और अपोजिशन के लीडर क्या कर रहे हैं. रूलिंग पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये ज्यादा ही बताएंगे वो रीजंस. बट या ही मेट इंडियन क्रिकेट टीम. उसके बाद मोदी जी ने एक और मीटिंग की उन लोगों के साथ जो ओलंपिक्स में जाने वाले. सो दीज टू मीटिंग्स मोदी जी हैड एंड ही गॉट द नमो जर्सी टू. फिर बात यहां समझ में आने लगती है लोगों को जब दोनों नेताओं को बराबरी से दिखाया जाता है. उसी बीच अपोजिशन के लीडर मिस्टर राहुल गांधी हथरस जा रहे हैं, वहां विक्टिम से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके पिक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, गोदी मीडिया भी कवर कर रहा है. सीधे हम हाथरस जा रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं. राहुल गांधी को हमने सुना, देखा. राहुल गांधी दे आल्सो सेइंग दैट ही डजंट वांट टू डू. और लोगों को अब समझ में आ गया है कि इंडियन टीम से मिलना उनके जीतने के बाद, ओलंपिक टीम से मिलना उनके जाने से पहले, ये उनको कितनी हेल्प करता है. समझ रहे हो? See, the thing is that you should meet those people who really needed you. And it's not about now. The list is pending for so many days. Meet aspirants से बात कर लो. आप थोड़ा बात कर लोगे तो उनको काफी हिम्मत आ जाएगी. मणिपुर कब से राह देख रहा है. You never visited, sir. तो जनता ये देखती है. और विपक्ष वाले जब इस तरह के विजिट करते हैं तो उनको इसका काफी लाभ मिलेगा. और उस वक्त उन लोगों को जरूरत भी होती है कि कोई आके उनसे बात करे. And now let's talk about most important thing in the country. Unemployment? No, cricket. तुम लोग यार क्रिकेट देखते रह जाओगे. बात तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुका होगे. Watch this guy. If unemployment is having a face, भाइयों बहनों. Okay, let me inform you about this picture. This guy was clicking the picture of Indian cricket team. When this bus filled with the cricketers was roaming, सब लोग नीचे से खिलाड़ियों को देख रहे थे. पर ये समझदार उस पेड़ पे चढ़ गया जहां से बस निकलने वाली थी. मैं हैरान हूं जी. It was complete madness. This guy was crying like this because he did not see Virat Kohli. विराट कोहली दिसला नहीं वाला, सगळे दिसले विराट कोहली. हिंदी. He's a fan. उसकी इमोशंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूं. पर यूजली इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा तब रोते हैं जब उनको उनकी पहली जॉब नहीं मिलती. आज ही पता चला है कि पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई. एंड नाउ पीपल से कि प्रूफ दिखाओ, ये रहा प्रूफ. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दैट आई एम नॉट अगेंस्ट दोस पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग. वैसे ही खुश रहने के बहुत कम मौके देते हैं मोदी जी. अच्छी बात है, लोगों ने सेलिब्रेट किया, करना भी चाहिए. बट प्लीज सेफ्टी फर्स्ट. ऑन दिस बिंगो आज तक वाले क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो देखो. पेड़ पे चढ़ गया है, बड़ा मजा आ रहा है. एंड चित्रा जी को तो मतलब बहुत ही आनंद आ गया. पेड़ पर व्यक्ति चढ़ा हुआ है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आप. जरा देखिए, ये सबसे लकी रहा. लकी, यू शुड यूज वर्ड डेंजरस हियर. यहाँ पर भी ये बहुत डेंजरस था. दिस गाय वाज प्लेइंग विद हिज लाइफ. कोई भी समझदार व्यक्ति इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा. न्यूज चैनल वालों को मजा आ रहा था. रील्स बनाएगा ये सबसे वायरल होंगे. सुन रहे हो आप जर्नलिस्ट का थिंकिंग स्टैंडर्ड सुन रहे हो कि रील वायरल हो जाएगा बस इतना. ये विक्रांत गुप्ता की आवाज थी वैसे. यहाँ ये वही है. सो सेलिब्रेट, इंजॉय, यू अर्न इट, बट डोंट रिस्क योर लाइफ. आप जरा सोचिए क्या क्रेज है टीम इंडिया का. आई एम नॉट अगेंस्ट द सेलिब्रेशन, एज आई टोल्ड यू गाइस, खुश रहने के बहुत कम मौके मिलते हैं थैंक्स टू हिम. बट या बी केयरफुल, ओवर क्राउडिंग हो रही थी, कुछ लोग दब रहे थे. और ये आज की न्यूज है, कई लोग इंजर्ड हुए. अच्छा हुआ बस यहीं तक बात गई. उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन पहले क्या हुआ है मैं नहीं याद करना चाहता क्योंकि बहुत खतरनाक था वो. एंड अमंग ऑल दोस सेलिब्रेशन द नेशन रियली वांट्स टू नो एंड क्रिकेट फैंस रियली वांट टू नो व्हाट दिस गाय वाज डूइंग ऑन द बस. ए नीला कपड़ा. द वे ही वाज होल्डिंग द ट्रॉफी विद मिस्टर रोहित शर्मा. मोदी जी भी देखेंगे तो बोलेंगे बेटा नीचे आइए. बेटा नीचे आइए प्लीज. तो नमस्कार देवियों, सज्जनों, इस पर सवाल है कि मिस्टर जय शाह का इस बार के वर्ल्ड कप विन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. ए इतना, बी इतना, सी इतना या डी इतना. अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. इग्नोर कर दो कैमरा. यू नो द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर सम पीपल हु डिफेंड्स हिम कि नहीं नहीं है, इनका भी है. क्या है? आई मीन हार्दिक पांड्या, बिफोर दिस वर्ल्ड कप व्हेन पीपल वर हूटिंग हिम ही वेंट थ्रू सो मच एंड नाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग हिम. दिस इज अ जर्नी.
अब ये बंदा अगर ट्रॉफी लिफ्ट करे तो समझ में आता है, पर भाई साहब मैं हैरान हूँ जी। छोड़ूगा कुछ मत बोलो, वही तो लकी मास्कॉट है, उसकी वजह से ही तो सब जीते हैं। क्या बकवास मत करो चिगराई। We want more and more cups from our team. Wait, just for a second. It's a really wild thought. सोचो, बस सोचो, what if अगर मोदी जी के 400 पार हो जाते तो आपको इंडियन क्रिकेट टीम की बस ऐसी नहीं दिखती, वो ऐसी दिखती। आइयो बहनों, ये भी आ जाते हैं। अभी तो बिना बात के जयशाह क्रेडिट ले रहा है। एंड जयशाह, दिस गाय एंजॉयड द मोस्ट एंड स्पेशली विथ कोहली। मैं हैरान हूं जी। मोटो भाई, छोड़ू ने नाक कटवा दी। सच में क्या कर रहे चिकर भाई? बट इन सब की वजह से और अभी जो प्री वेडिंग होने वाली है उसकी वजह से गोदी मीडिया का बढ़िया चल रहा है। क्रिकेट पे फोकस करा है अभी, अब प्री वेडिंग पे फोकस करेंगे। बिकॉज जस्टिन बीबर अराइव इन इंडिया और पापराजी शुरू हो गए। ए जस्टिन, जस्ट इन जस्टिन, पूरा फोकस प्री वेडिंग पे आ जाएगा और सब कुछ भूल जाओ। आप ये भी भूल जाओ कि अंबानी साहब ने जियो के रेट्स बढ़ा दिए, भूल जाओ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट इन द मिडल ऑफ दिस वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन, डिड यू नोटिस दैट मिस्टर अंबानी, मिस्टर राहुल गांधी एंड फैमिली को अनंत अंबानी की शादी का वेडिंग कार्ड देने गए थे। इस तरह की डेवलपमेंट चिकारा को पसंद नहीं आएगी। सही है चिकारा भाई, देखना पड़ेगा कौन सा ट्रक भर के गया है। किसका चिकारा भाई? वेडिंग कार्ड का। एंड देयर इज सम डिस्टर्बिंग न्यूज़ केम, आई एम नॉट सेइंग दिस, अडानी साहब का चैनल ही बता रहा है। जस्ट गो थ्रू इट। ओवर 31,000 वुमेन वेंट मिसिंग इन मध्य प्रदेश इन 3 years. दिस इज द डेटा। दिस इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग न्यूज, बट यू कांट फाइंड गोदी मीडिया टॉकिंग अबाउट दिस। ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ यूके जनरल इलेक्शंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस गाय। मिस्टर ऋषि सुनक इज ऑल सेट टू लूज और लोग इनकी हार की बहुत सारी वजह बता रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं मिलता तो शायद जीत जाता। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसी मुलाकात के बाद से टाइम थोड़ा बदलना शुरू हो गया था। वैसे आई वांट टू टॉक अबाउट द एग्जिट पोल ऑफ ब्रिटेन। लेट दिस पर्पल पूसी कैट क्राई बिकॉज ही डिजर्व्स इट। ओह गॉड, नो, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ हिज एग्जिट पोल्स। दिस पर्पल पूसी कैट हैड दिस एग्जिट पोल और उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। देन ही क्राइड एंड ऑल, बट जस्ट लुक एट द एग्जिट पोल ऑफ ब्रिटेन। That was the exit poll, and that was the result. Now cry more, you purple pussy cat. ऐसी हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग इतनी नीचे नहीं आ जाती। दलाल। So yeah, guys, that is today's video. If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। And obviously, like का बटन तो दबा ही सकते हो। Thank you so much. Love you 3000. तो करना।